अब तक पृथ्वी पर जितने भी जीव हुए हैं, अगर उनमें से सबसे विशालकाय जीव की बात की जाए तो वो जीव कोई डायनासोर नहीं बल्कि ब्लू व्हेल है, जो अब तक पूरी पृथ्वी पर सबसे विशालकाय जानवर माना गया है। ऐसा क्या कारण है कि इनका आकार इतना विशाल हो गया है और इतना भारी भरकम शरीर? क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मिस्टर टीवी इंडिया के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है और आज हम जानेंगे कि ब्लू व्हेल्स इतनी विशालकाय क्यों होती हैं। दुर्भाग्यपूर्ण इस सवाल का सही जवाब तो अभी भी वैज्ञानिकों के पास नहीं है, पर हाँ उनके द्वारा कुछ अंदाजे जरूर लगाए गए हैं जिनके बारे में हम आज बात करने भी वाले हैं, जिनमें की दो बातें बताई गई हैं, एक मौसम से संबंधी है और दूसरा कारण खुद उनके शरीर से जुड़े हुए कारण की वजह से। शरीर से जुड़े कारणों में कुछ इस तरह बताया जाता है, क्योंकि जमीन पर इतने भारी भरकम शरीर का स्थिर रह पाना नामुमकिन है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इतना भारी शरीर जमीन पर स्थिर नहीं रह पाएगा, और अगर कोई इस तरह का जानवर जमीन पर हुआ भी तो वह खुद के वजन से ही मर जाएगा, क्योंकि इतने वजन के कारण इतने भारी भरकम अंगों को स्थिर रख पाना नामुमकिन है। वहीं पानी में यह स्थिति नहीं है, क्योंकि वहां गुरुत्वाकर्षण बल को नियंत्रित करने के लिए बॉयंट फोर्स होती है। जैसे कि आप एक प्लास्टिक की गेंद को पानी की बाल्टी में डुबाते हैं तो वो ऊपर की तरफ आती है। इस फोर्स के कारण इतने विशालकाय शरीर पर पानी में कुछ भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसलिए इनका आकार बड़ा होने में एक तो यह परेशानी खत्म हो जाती है जो कि जमीन पर रह रहे जानवरों के लिए है, और इसी के साथ एक और बात गौर करने वाली है, वो यह है कि ब्लू व्हेल्स वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, यानी कि गर्म खून वाले स्तनधारी हैं, लेकिन नीचे क्योंकि पानी ठंडा होता है तो अपने शरीर को गर्म रखने के लिए बड़े आकार की आवश्यकता होगी, जिससे कि यह इतने ठंडे पानी में अपने आप को सुरक्षित रख सकें, क्योंकि जितना बड़ा शरीर पानी में रह रहे जानवर का होगा उतना आसान होगा उसे अपने शरीर को गर्म रखना। और जो दूसरा कारण इनके बड़े होने का दिया जाता है वो है एक एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन, यानी कि क्रमागत उन्नति के अनुसार ढलने का कारण। तो जिसके लिए हमें जाना पड़ेगा लगभग 5 करोड़ साल पहले, जब व्हेल्स इस पृथ्वी पर आई थी और उनका विकास होना शुरू हुआ था। और क्योंकि 5 करोड़ साल पहले से यह स्तनपाई इस धरती पर है, तो इसके बहुत अच्छे आसार हैं कि इतने विशाल शरीर का कारण क्रमागत उन्नति ही है। इस थ्योरी की बात शुरू होती है पिछले हिमयुग यानी कि आइस एज के खत्म होने पर, और उसके दौरान जो हुआ उसके ऊपर। पिछला हिमयुग 26 लाख साल पहले आया था, और जो कि लंबे 12 सालों तक के लिए चला था, जिसके अंतर्गत माना जाता है कि इनका और भी ज्यादा इस तरह से विकास हो गया। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का यह मानना उन्हें संदेहगत लगता है, क्योंकि इतने कम समय में इतना विकास हो पाना काफी मुश्किल है, क्योंकि व्हेल्स का इससे पहले माना जाता था कि आकार केवल 15 फीट का था, जो कि अब लगभग 90 से 100 फीट तक पहुंच चुका है। अब तक हमें जो सबसे लंबी व्हेल मिली है उसका आकार 111 फीट था। अगर बात करें इसके पीछे क्या तर्क दिए जाते हैं, तो वो कुछ इस तरह हैं। जब हिमयुग चल रहा था तो समुद्र में उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ से सारा पानी जमना शुरू हुआ, और जिसके कारण पानी में बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ने लगी, जिसके कारण कुछ जो छोटी मछलियाँ थी वो विलुप्त हो गई, लेकिन कुछ बड़ी मछलियाँ जैसे कि व्हेल्स उस समय अपने बड़े शरीर के कारण बच पाई थी, और उस हिमयुग के कारण जो नीचे समुद्र की गहराई में खाने के लिए पोषक तत्व थे वो सभी ऊपर आ गए थे, क्योंकि उस तरह हवाओं का कुछ इस तरह से चलन शुरू हुआ जिसकी वजह से यह हुआ था। पर जब यह सब हुआ उसमें यह पोषक तत्व पूरे समुद्र में नहीं बल्कि एक ही जगह में ज्यादा इकट्ठा हो गए, और जिसके कारण व्हेल को शिकार करने में ज्यादा आसानी हो गई, और अब जिस तरह से वो शिकार करती थी एक ही बार में बहुत ज्यादा मात्रा में पानी अपने मुंह में ले लेती थी और पोषक तत्व अपने अंदर रखकर सारा पानी निकाल देती थी। उदाहरण के लिए एक ब्लू व्हेल एक बार में 120 टन तक पानी निगल सकती है, और इस पानी को निगलने की प्रतिक्रिया में जो ब्लू व्हेल खाती हैं यानी कि क्रिल, उनकी मात्रा भी काफी ज्यादा आ जाती है, जिसके कारण व्हेल्स बड़ी से बड़ी होती गई ताकि वो एक बार में ज्यादा पानी निगल सकें, और जिसके कारण और भी ज्यादा क्रिल्स को खाने लगी, और इस तरह से क्रमागत उन्नति के कारण इनका शरीर विशाल होता चला गया। और अगर आप अनोखी बात व्हेल के बारे में जानते हैं तो एक यह भी है कि ब्लू व्हेल का मुंह कितना भी विशाल हो लेकिन उसका एसोफेगस यानी जहाँ से हमारा खाना हमारे शरीर में जाता है, इसी तरह जहाँ से खाना व्हेल के शरीर में जाता है वह बहुत ही छोटा छिद्र है। एक ब्रेड का टुकड़ा भी अगर ब्लू व्हेल खाना चाहे तो वह नहीं खा पाएगी, क्योंकि उसके एसोफेगस का आकार काफी छोटा है, इसलिए वह इन क्रिल्स को बेहद पसंद करती है। पर वहीं अगर व्हेल के दिल के आकार की बात की जाए तो वह लगभग एक नॉर्मल कार के समान होता है, और उसकी जीभ का वजन लगभग एक हाथी के समान होता है।
पर उनके इतने बड़े आकार होने के इन तथ्यों के बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि केवल यही नहीं, कुछ और भी कारण रहे होंगे जिसके कारण इनका आकार इतना विशाल हुआ है, जो कि अभी तक सामने नहीं आ पाए हैं। पर आज के समय में व्हेल्स जो खाती हैं उसकी मात्रा समुद्र में कम होती जा रही है, और क्योंकि पानी इंसानी गतिविधियों के कारण ऑक्सीजन की मात्रा में कमी ला रहा है, तो क्या व्हेल्स के लिए यह एक खतरे का संकेत है? पर क्या जिस तरह से व्हेल्स ने अपने शरीर को विशालकाय बनाया था, उसी तरीके से यह खाने की कमी होने के कारण अपने आप को छोटा करने में सक्षम रहेंगी? यह रोचक सवाल है। तो दोस्तों, यह थी दो थ्योरीज जो व्हेल्स के विशाल आकार के बारे में बताती हैं। और आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।